हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है आपकी जीके की सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसमें ये जीके का 23वां पार्ट है, 22 पार्ट में आपको अपलोड करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये टेस्ट लगाइए, आप कितना स्कोर शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आपका फ्रेंड्स 1 दिसंबर, ठीक है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हमको पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, हमें यहाँ पे 4 ग्रह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं के अनुसार बताएंगे, ना कि 9th के अनुसार, ठीक है। तो हमारा यहाँ 4 दिए गए हैं, उसमें सबसे छोटा कौन सा है, बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। तो यहाँ पे बुध ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, छत्तीसगढ़ राज्य है उसकी राजधानी पूछी गई है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी आपकी रायपुर, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की, गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो चौथा क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स आपका, आपने कर लिया होगा बी, 1924 बेलगाम में गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र सम्मेलन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1924 ईस्वी में और बेलगांव में हुआ था। अब आपका पांचवा क्वेश्चन बन जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो पांचवें क्वेश्चन और इसमें पूछा गया कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे डी, ब्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। कौन थे, ब्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन पूछा है हमें, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो फ्रेंड्स आपका सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है, कौन सा विटामिन, विटामिन डी। अब बात कर लेते हैं सातवें क्वेश्चन की, कि गैरी कास्पोरोव किस खेल से संबंधित है। कौन सा क्वेश्चन है, गैरी कास्पोरोव किस खेल से संबंधित है। तो सातवां क्वेश्चन है आपका और इसका सही जो आंसर है वो है डी, शतरंज खेल से गैरी कास्पोरोव आपके संबंधित है। आठवां क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो वो आंदोलन शुरू किया था फ्रेंड्स आपका चंपारण, ठीक है। चंपारण के किसान के बुलावे गांधी लखनऊ आए थे, वहीं से पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन शुरू किया था। 9वां क्वेश्चन है आपका, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स कृष्णा नदी की सहायक नदी है वो है आपकी तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अब बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की, अजंता की गुफाओं के किस चित्र से संबंधित हैं, ठीक है। अजंता की गुफाओं के चित्र किस से संबंधित हैं, तो वो आपके संबंधित हैं आपके गौतम बुद्ध से, अजंता की गुफा के चित्र संबंधित हैं। बात होती है 11th क्वेश्चन की, कि वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है, 11th क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि युवा नदी द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन आता है आपका, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है। तो सूर्य को छोड़कर पृथ्वी की जो निकट तारा है वो है आपका अल्फा सेंचुरी, ठीक है। अल्फा सेंचुरी सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के निकट तारा है, ठीक है। 13th क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती। तो 13th क्वेश्चन और इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चीन से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। 14th क्वेश्चन, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है। तो 14th क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेजर। नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद है, मेजर का। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लें, ठीक है। जितने भी आपके थल सेना में पद हो वही आप वायुसेना की तुलना करके या नेवी में तुलना करके देख सकते हैं कौन कौन से, ठीक है, क्योंकि ऐसे एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज व्यक्ति की अध्यक्षता में किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये रेड क्लिप
जो व्यक्ति है ठीक है उसी की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिप रेखा रखा गया था। क्या रखा गया था? रेड क्लिप लाइन जो नाम रखा गया है, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण रेड क्लिप नामक अंग्रेज ने किया था, तो उसने अपने ही नाम पर भारत और पाकिस्तान की सीमा का नाम रेड क्लिप रख दिया था, रेड क्लिप रेखा। लेकिन वो जो अंग्रेज था उसका नाम था रेड क्लिप, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 16 क्वेश्चन की, युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो 16 क्वेश्चन का यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परमवीर चक्र। युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है आपका परमवीर चक्र, ठीक है। 17 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। तो 17 क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है। 18वां क्वेश्चन है आपका, खजुराहो किस राज्य में है? तो खजुराहो आपका स्थित है मध्य प्रदेश में, आपका खजुराहो स्थित है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो स्थित है। अब बात कर लेते हैं 19 क्वेश्चंस की, कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो 19 क्वेश्चन और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 20 क्वेश्चन है आपका, गोवा कब स्वतंत्र हुआ? गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, 1961, ठीक है। 1961 में गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया। किन से? पुर्तगालियों से। फ्रेंड्स आपका भारत तो आज़ाद हो गया था, ठीक है, लेकिन गोवा जो आज़ाद हुआ है आपका पुर्तगालियों से, वो आपका आज़ाद हुआ है 1961 में, ठीक है। 21 क्वेश्चन है आपका, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहा था आपका फ्रेंड्स, 21 का बी हो जाएगा यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक जी ने यह बात कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये सिद्धांत आपका बाल गंगाधर तिलक ने दी थी ये, ठीक है। 22 क्वेश्चन आता है आपका, निम्न राज्यों में से किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ठीक है, सिक्किम में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। कहाँ पे? 22 का यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम में कोई भी एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 24 क्वेश्चन, डल झील स्थित है? तो डल झील स्थित है आपके फ्रेंड जम्मू एंड कश्मीर में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि अक्सर कर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स रट्टा मार लीजिए, अच्छी सी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोई भी शिकायत और सुझाव हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं, नीचे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और व्हाट्सएप या फेसबुक से के जरिए या टेलीग्राम के जरिए उसे प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।